तिरुवन के पादगण वैष्णव वैष्णवी सभी गुरु जनार्दन को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत कवि श्रीधाम नवद्वीप परिक्रमा करते करते अभी हम जहाँ पर उपस्थित होंगे अभी ये स्थान श्री गोध्रुव व गादी गाछा क्योंकि नव विद्या भक्ति को अंदर की जो ना जो दीप है हम जो नवद्वीप धाम परिक्रमा कर रहे हैं ये हम पहले सुनते ही राधा जी के हृदय से निकला हुआ और ये एक एक जो दीप और एक एक भक्ति का अंग है। यदि यहाँ पर अन्य पर कौन सा भक्ति का अंग करने का फल मिलेगा बोले श्रवणाक्ष भक्ति। कहते जितने नौ विद्या भक्तियों में जब हिरण्यकश्यपु प्रह्लाद को पूछा तुमने तुम्हारे जो गुरु जी तुमको क्या शिक्षा दिया उसमें जो उत्तम जो विद्या उसको बता तब जब प्रह्लाद महाराज बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत् नवलक्षणं क्रियते भगवताध्याय तन्मन्येऽधिकभूतम्। जितने सारे विद्या हैं जो ये नौ तरह का जो भक्ति है सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। सारे भक्ति की बात छोड़ दो अगर कोई एक भक्ति का अंगर सुष्ट रूप में कोई पालन करे तो उसको भगवत प्रेम भगवत प्राप्ति हो जाता है। इसलिए भक्ति का सबसे पहला ये श्रवण है क्योंकि जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक हमारा ज्ञान नहीं होगा फिर आगे भक्ति को भी बढ़ नहीं सकती। इसलिए यहाँ आने पर श्रवणाकर भक्ति करने का फल मिलता है। ये जो स्थान है कभी ये ब्रजमंडल का ये कौन सा स्थान ये गुप्त वृंदावन कहते गुप्त वृंदावन में ये ब्रजमंडल का ये नंदगांव जहाँ पर कृष्ण सखाओं को साथ में गैया चलाया करते थे जहाँ पर कृष्ण घर घर में जाकर के कृष्ण जहाँ पर मक्खन चोरी करते थे। कभी अगर कन्या मक्खन चोरी कर मैया को पूछे क्यों लाला तेने मक्खन चोरी की जहाँ पर कृष्ण डर से बोल देते थे बोले मैया मोहनी मैंने ही माखन खायो सुन मैया मोहनी मैंने ही माखन। इसलिए यहाँ तक श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जब से यही पर जैसे कृष्ण नंदगांव में सखाओं को साथ में गैया चलाया करते थे महाप्रभु जब अपना भक्तों को साथ में कीर्तन करते 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 यहीं पर आया करते थे उनको उसी ब्रज हाल में महाप्रभु विभावित हो जाते थे और यहाँ पर घर घर में जाकर के कृष्ण जैसे गोकुल में नंदगांव में गोपियों को घर घर में जाकर के कृष्ण मथुर चोरी करते थे उनको सारे भाव उद्दीपना उनको यहीं पर हुआ करता था। इसलिए कभी कभी कृष्ण महाप्रभु यहीं पर ही कभी कभी मूर्छा दशा को प्राप्त हो जाते थे कभी कभी। इसलिए जो नंदगांव है गुरुपाद व्रत में कहते हैं ये नंदगांव कोई साधारण धाम नहीं गुरुदेव कहते थे ये विप्रलम्ब का ये चरम स्थान है क्योंकि उद्धव ने ही जब उन्होंने नंदगांव में आए वहीं पर ही उद्धव किया है। गुरुदेव कहते थे ये ब्रज प्रेम जो उद्धव को कृष्ण ब्रज में भेज करके ब्रज भक्ति गोपियों की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है कहाँ पर उन्होंने ये चीज को उन्होंने स्थापन किया क्योंकि ये नंदगांव में आकर के उद्धव जैसे भक्तों में ज्ञानी भक्त शुद्ध भक्त प्रेमी भक्त प्रेमापर प्रेमापर और प्रेमातुर भक्त श्री उद्धव जी है। उद्धव कौन है दृश्य नाम परम परम कृष्णा प्रवर मंत्री कृष्ण से दैत्य सखा शिष्य बृहस्पति सरकार उद्धव बुद्धि सत्तम है। इसलिए बृहस्पति का ये शिक्षा है और बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि श्री उद्धव जी उसी समय इतने बड़े ज्ञानी कोई नहीं थे लेकिन कृष्ण उद्धव जी को ही भेज करके नंदगांव में गोपियों की भक्ति की जो चरम सीमा को वहीं पर ही उद्धव जी ने अनुभूति की और वहीं पर गोपी प्रेम की झंडा उन्होंने वहीं पर उन्होंने फहराया जहाँ पर उद्धव जी कहते हैं आशा मह चरण रेणु दुषा मह श्याम वृंदावन किमपि गुल्मलतोषधिना। उद्धव जी ब्रज में गुल्मलता औषध वृक्ष के रूप में जन्म लेते थे वहाँ पर जन्म ग्रहण करना चाहते हैं जहाँ पर कहते थे वंदे नंद ब्रज स्त्रीनाम
पाग रेम अभिष्णस जासाम हरि कथोदित गुणाति भुवनत्रयम्। इसलिए कहते हैं आकाश की एक चरण की एक धूल को उन्होंने केवल वंदना की। अगर ये जगत में किसकी जीवन धारण करना सार्थकता है, मतलब किसी की जीवन धारण करना सार्थकता, केवल ब्रज गोपियों की। बोले क्यों? जिस प्रेम के लिए ब्रह्मा शंकर कहते मैं स्वयं जिस प्रेम के लिए मैं तरसता हूँ। इसलिए गुरुदेव कहते थे जो नंददाम के ये अभिन्न श्री ये जो गोद्रुम है यहाँ आने पर नंददाम जाने का अपने आप हमें फल प्राप्ति हो गया। ये स्थान का नाम है गोद्रुम। वो मतलब क्या बोले ताबी सूरज निशानी। ध्रुव मतलब होता है वृक्ष। जब आप लोग सब जानते हैं अभी महाराज लोग आपको बताएंगे जिस समय इंद्र ने कृष्ण के चरण में मैंने अपराध किया है हां, इसलिए जब कृष्ण श्री गिरिराज गोवर्धन को धारण की इंद्र को जो पता चला ये कौन है कहते ये सर्व कारण का कारण ये कृष्ण है। इसलिए उन्होंने ये चीज को उनको पता चला। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भगवान कृष्ण जो गिरिराज की पूजा और भगवान कृष्ण जो गिरिराज गोवर्धन उठाया उसका तात्पर्य किया उसको पीछे वह चार कारण बताते हैं। पहला कारण बताते हैं कृष्ण शिक्षा देते हैं अगर कुछ मांगना हो तो झोली फैलाना तो श्री गिरिराज के चरण में ही झोली फैलाओ। क्योंकि उनका नाम है सर्व अभिष्ट श्री गिरिराज गोवर्धन की। इच्छाओं को अगर कोई पूरी कर सकते हैं यदि गिरिराज ही सारी इच्छाओं को पूरी करने वाले। इसलिए उन्होंने साधारण देवा देवी की बात छोड़ दो उन्होंने इंद्र जो स्वर्ग का देवता सारे देवता को जो राजा इंद्र का उन्होंने पूजा को बंद करके उन्होंने शिक्षा दिया एक अनिष्ट होनी चाहिए हमें भक्ति के लिए। बहुनिष्ट होने पर भगवत भक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए बोले मई अनन्य भावे न भक्ति पूर्वंतिजाम। भक्ति का जो स्वरूप लक्षण है भगवान कपिल देव के तो अनन्य भक्ति होनी चाहिए। इसलिए ये पहला शिक्षा है। दूसरी शिक्षा है ये इंद्र की अभिमान हो गया था अगर मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा तो ब्रजवासी भूखे बन जाएंगे हैं। इसलिए बोले बारिश नहीं ब्रजवासी भूखे बन जाएंगे और ये तुम्हारी उपासना तुम उपासना ये तुम्हारी उपासना करने वाले अभी तुमको शिक्षा देता हूँ। इसलिए कृष्णा श्री गिरिराज गोवर्धन की महिमा को स्थापन करने के लिए इसलिए भगवान कृष्ण ने इंद्र की अभिमान को दूर करने के लिए उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठाया। इसका तीसरा कारण बताए अभी ये ब्रजवासी कौन है भले ये आनंद चिन्मय रस प्रतिभागिता ये गोपियां और कोई नहीं ये कृष्ण की कायभ्य स्वरूप इसे ब्रज गोपियां सखा में बढ़ते प्रभु कृष्ण का प्रकाश ये सत्य सब अभी कृष्ण की इच्छा है ये ब्रजवासियों को साथ में और सात सात दिन तक उत्सव एक जाना पड़ गए। अभी सोच रहे हैं कैसे करें और कभी कभी कृष्ण को ये गोपियों से और राधा रानी से मिलना बहुत कठिन होता है। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं हम ऐसे क्या काम करें जो एक साथ में सात सात दिन तक इनको साथ हमारी मिलन और राधा जी की गोपियों को साथ में हमारे दर्शन हो जाए। बोले अगर मैं गिरिराज गोवर्धन उठाता इंद्र वारिस करेगा सबको मजबूर से उसका नीचे आश्रय लेना पड़ेगा। कहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ कारण है जो कृष्ण गिरिराज गोवर्धन को उठाया। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इसकी अभी कृष्ण रास लीला करना चाहते हैं। कहते सारे लीला में जो सर्वश्रेष्ठ लीला भगवान की रास लीला है लेकिन कृष्ण की लीला को अकेले नहीं कर सकते हैं चक्र ब्रज गोपियां नहीं हो। इसलिए उदाहरण देते जैसे एक हीरो जैसे किसी हीरोइन को आकर्षण करने के लिए उसको सामने बहादुर दिखाता है जो बहादुर देख कर क्या होता है बोले बाबा रे इतना बड़ा पराक्रमी है। इसलिए कहते उन्होंने दो बहादुर दिखाया। पहला बहादुर दिखाया उन्होंने कालियों को सर के ऊपर में भगवान नृत्य की। मतलब बहुत बड़े बड़े कलाकार देखे होंगे जो रस्सी के ऊपर नाचता है कोई तलवार के ऊपर नाचता है कोई सर पर कल से लेकर के नाचते हैं लेकिन कभी आपने देखा किसी ने कभी सर्पों के ऊपर नृत्य किया। इसलिए कालिया की सौ फण के ऊपर में भगवान जब नृत्य कर रहे थे जहाँ पर सूरदास जी कहते हैं बोले तांडव गति मंडल पर नाचत गिरिदा श्री तांडव गति मंडल पर नाचत गिरिदारी कम 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 पद पद रत कम 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 पद पौपर भिन 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 तकर तनाज बहुआ तांडव गति मंडल पर नाचत गिरिदारी
दाता जे सर्वश्रेष्ठ नित्य का मैं हमरा नाम क्या है नटराज जिन्हें आज अब तक नट भर बन गए हैं। नट मतलब शंकर, भर मतलब पति। इसलिए उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को 7 साल के बाद 7 दिन तक गिरिराज गोवर्धन जब उठाए ब्रज गोपियां देकर जिनको चरण में लूट गए अब भगवान का रासलीला हो गया। इसलिए यही पर ही इंद्र ने भगवान के चरण में ब्रज में जब उन्हें शरणागत हुए जब उन्होंने देखा कृष्ण हृदय से उनको माफ नहीं किया तो क्या करनी चाहिए। पहले तो उन्होंने श्री गुरु जी को बृहस्पति को पास में गए, बृहस्पति बोले मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी को पास में गए, ब्रह्मा जी बोले देखो कृष्ण गोपाल है, गैया उनकी आराध्य थे, उनका जो मूल है ये सुरभी दादी, इनके आश्रय लेकर के जाओ कृष्ण उनको माफ कर देंगे। इसलिए उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से देखा यही पर ही कलयुग में श्री कृष्णचंद्र सचिनंदन गौरव हरि बन करके श्री नवदीप धार में जन्म ग्रहण करके विश्व ब्रह्मांड को कृष्ण प्रेम में संपूर्ण विश्व को उन्होंने प्लावित करेंगे और यहीं पर जन्म ग्रहण करेंगे। और उन्होंने कृष्ण अवतार को विचार करते हैं तुमने ये अपराध किया, लेकिन महाप्रभु अवतार में वो चुके राधा जी के भाव और अंधकार से लेकर के आए और राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु है। ये अवतार में जे आगे पड़े तार पड़े निस्तार और कृष्ण प्रेम आय से जार दूर दर्शने। अगर केवल एक बार कोई आकर के महाप्रभु को चरण में शरणागत हो जाए, महाप्रभु किसी चीज को विचार नहीं करते हुए वो कृष्ण राधा जी के प्रेम को प्रदान करेंगे। इसलिए यही पर उन्होंने सुरभि गावी के अनुगत में नहीं कर भजन किए। इसलिए अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, अभी यहाँ पर आने पर क्या सारे अपराध दूर हो जाती है, हो करके हमें महाप्रभु को गौरव प्रेम हमें प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग सबके सब ये स्थली पर जैसे इंद्र का सारे अपराध दूर हो गया था और यही सही महाप्रभु कृपा प्राप्त की, हम भी सबके सब गुरु वैष्णव याद रखें, इस स्थान को प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भक्ति में जितने अपराध हैं सबके सब महा